नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओके क्रेडिट में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना, और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा बिजनेस जो आपके मुंह में पानी ला देगा। वैसे तो हम कहते हैं कि हम तीन वक्त की रोटी खाते हैं, सुबह, रात और दोपहर, लेकिन एक और छोटा सा होता है, वो होता है शाम का नाश्ता, जो हम सबको बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो हल्का फुल्का होता है, कई बार चटपटा होता है, कईयों को मीठा भी पसंद होता है। ऐसे में सुबह का नाश्ता करके, दोपहर का खाना खा के और रात के खाने से पहले आप जो नाश्ता करते हैं ना शाम का, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपका पेट भी थोड़ा सा तृप्त रहता है और मुंह की आत्मा भी शांत हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह का, माफ़ कीजिएगा, शाम के नाश्ते का बिज़नेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने ग्राहकों को खिला सकते हैं और उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए देखिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले लाल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो बिना देर के देखिए कैसे आप शाम के नाश्ते के बिजनेस के साथ अपने ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। वेजिटेरियन नाश्ते में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, भेलपूरी, गोलगप्पे, पोहा, जलेबी, पूरी सब्जी, डोसा, पंजाबी फूड, चौमिन, पकौड़ी, दही भल्ले, आलू की टिक्की, बर्गर, इडली सांभर, छोले भटूरे, छोले कुलचे, वड़ा पाव, ब्रेड पकौड़ा, खस्ता कचौड़ी, फ्रूट जूस, फ्रूट सैलड, गन्ने का जूस, नींबू पानी, शिकंजी, वेज बिरयानी जैसे तमाम आइटम शाम के नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं। नॉनवेज नाश्ते में क्या क्या बेचा जा सकता है? नॉनवेज नाश्ते में चिकन फ्राई, मटन या चिकन बिरयानी, बॉयल अंडे, चिकन सूप, ऑमलेट, ऑमलेट पाव, कीमा पाव, एग रोल, नॉनवेज समोसा, चिकन मंचूरियन आदि का बिजनेस किया जा सकता है। जगह का चुनाव अच्छी तरह से करें। शाम के नाश्ते का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छी सी जगह का चुनाव करना होगा। अच्छी जगह से मतलब ऐसी भीड़भाड़ वाली जगह जहां पर हजारों लोग शाम को आते हों। इन खास बातों का रखें ख्याल। नाश्ते की दुकान खोलने से पहले आपको अपने क्षेत्र के लोगों की पसंद का ध्यान रखना होगा, तो आपका बिजनेस जमकर चलेगा। हर क्षेत्र के लोग अलग अलग तरह के नाश्ते को पसंद करते हैं, जैसे दिल्ली में छोले भटूरे, खस्ता कचौड़ी, भेलपूरी, चौमिन, छोले कुलचे, गोलगप्पे, अहमदाबाद में पोहा, समोसा, गोलगप्पे, बैंगलोर में इडली सांभर, डोसा, इलाहाबाद में पूरी सब्जी, दही जलेबी, भोपाल में जलेबी, पोहा, लखनऊ में समोसा, गोलगप्पे, खस्ता, पूरी, कचौड़ी, सब्जी आदि। इन क्षेत्रों में यही सामान बिक सकता है। इसके अलावा आजकल युवाओं में मोमोज का काफी ज्यादा क्रेज है। छोटे पैमानों पर भी शुरू किया जा सकता है बिजनेस। वैसे तो लोग बड़ी बड़ी दुकानें खोलकर अपने ग्राहकों को बैठाने की व्यवस्था करते हैं, इससे उनके यहाँ परिवार के लोग आसानी से जाकर नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आम आदमी छोटा बिजनेस नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति मात्र हजारों रुपए खर्च करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। आप भी यदि ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ये बिजनेस मोबाइल शॉप यानी चलती फिरती दुकान के रूप में कर सकते हैं, जैसे साइकिल पर फेरी लगाकर, ठेली या रेहड़ी पर स्टॉल लगाकर, मोटरसाइकिल पर स्टॉल लगाकर, सड़क किनारे टेबल आदि लगाकर, कार, वैन, ट्रक आदि में स्टॉल लगाकर। कैसे शुरू करें बिजनेस? नाश्ते का बिजनेस कुछ अलग तरह का होता है। इसमें अनेक आइटम्स ऐसे होते हैं पहले से घरों से आधे अधूरे तैयार करने पड़ते हैं। मार्केट में या स्टॉल पर आपको तो केवल गर्म करके देने पड़ते हैं, जैसे पूरी सब्जी की सब्जी, चटनी, सैलड, अचार, रायता रेडीमेड लाना होता है। पूरी और कचौड़ी का आटा भी गूंदा हुआ होता है। यहाँ तो पूरी बेल कर निकालनी होती है बस। वैसे ही समोसे भी बने बनाए कच्चे होते हैं। गोलगप्पे में आपको चना, मटर, आलू घर से उबाल कर लाना है। इसका पानी भी आपको रेडीमेड लाना होता है। गोलगप्पे यदि घर से बनाना चाहते हैं तो बनाएं, वरना रेडीमेड थोक से बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। पहले कुछ दिन ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें कम दामों पर अपना सामान दें। जब आपके नाश्ते के सामान के लोग मुरीद हो जाएं, यानी ग्राहक आपकी दुकान पर बार बार आए और आपके सामान की तारीफ करें, तब आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े दाम बढ़ाने होंगे, लेकिन मार्केट रेट से अधिक नहीं। लागत कितनी आएगी? यदि आप दुकान या शॉप खोलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सामान घर पर नहीं बनाने पड़ेंगे, दुकान में खुद बना पाएंगे तो ठीक, वरना कारीगर और हेल्पर रख लें। इस तरह के बिजनेस में 2 से 5 लाख रुपए की लागत आएगी। दुकान की कीमत, किराया अलग। इसके अलावा छोटे बिजनेस करने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक चाहिए। इससे कम में ये बिजनेस 10,000 से भी शुरू हो सकता है। गोलगप्पे का बिजनेस तो कुछ हजार में ही शुरू हो जाएगा। मुनाफा कितना हो सकता है? कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला बिजनेस है ये। वैसे इस काम करने वालों का कहना है कि इस बिजनेस में 50% या इससे अधिक मुनाफा होता है। यदि आप किसी ऐसे बिजनेसमैन के रहन सहन को देखेंगे तो पाएंगे कि 4-6 महीने में उसका नक्शा बदल जाता है। कौन कौन से लाइसेंस लेने होंगे?
यदि आप बड़ी दुकान या शॉप खोलते हैं तो आपको खान पान से जुड़े FSSAI से फूड लाइसेंस लेना होगा, साथ में GST नंबर। स्टेट फूड डिपार्टमेंट से भी आपको लाइसेंस लेना होगा, लोकल बॉडी नगर पालिका या नगर निगम से भी लाइसेंस बनवाना होगा। यदि आप मोबाइल बिजनेस करते हैं तो कम से कम जिस क्षेत्र में बिजनेस कर रहे हैं वहां की लोकल बॉडी से फूड लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। बिजनेस बढ़ने पर आपको FSSAI से लाइसेंस बनवाना होगा और GST नंबर लेना होगा। बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करें? सबसे पहले साफ सफाई जितनी अधिक रखेंगे उतना ही अधिक बड़े स्टैंडर्ड के लोग आपकी दुकान पर आएंगे, जो काफी बड़ा बिजनेस देंगे। दूसरा, आप अपने सामान की क्वालिटी से किसी प्रकार का समझौता ना करें। आपका सामान स्वादिष्ट तो होना ही चाहिए, साथ में हेल्दी भी। आपका व्यवहार मधुर होना चाहिए, साथ ही अपने ग्राहकों को छोटे छोटे ऑफर भी देना शुरू करें। जैसे किसी ने समोसा खाया तो आप उसको 2 गोलगप्पे फ्री में खिला सकते हैं, इसमें अधिक नुकसान नहीं होगा। यदि उसको स्वाद भाग गया तो वो आपके गोलगप्पे और खा लेगा। यदि किसी बच्चे को पहली बार खाने पर मिर्च मसाला लग गया और वो परेशान हो रहा है तो तत्काल उसको 2 गोलगप्पे दही और मीठी चटनी डालकर दे दें। इससे बच्चा तो खुश होगा ही, साथ में उसके माता पिता आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे। इससे वो आपके स्थायी ग्राहक भी बन सकते हैं। तो चलिए, अब आपको बिजनेस के बारे में हम बता दिया। आप खाइए भी और खिलाइए भी, और हो सके तो मुझे भी बुलाइए और मुझे भी बताइए कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। इंतजार रहेगा। और हाँ, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।